तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये प्याज, प्याज का रस निकालना सिखाएंगे हम आपको, और प्याज के रस से फिर प्याज का ऑयल बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इसको हम प्याज के ऑयल बनाने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हम आज ये क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिसको हेयर प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होता है, या आपके बाल झड़ते हैं या टूटते हैं, या आपको गंजापन महसूस होता है, तो दोस्तों सभी समस्याओं का हल आज इस प्याज के अंदर हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों इस प्याज के अंदर होता है सल्फर बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर, और इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बालों को बहुत ही फायदा पहुँचाने में लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे, फिर उसको आपको यूज़ करना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल तारीफ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक प्याज लेते हैं, और प्याज को अच्छे तरीके से जो इसकी जड़ होती है वो हमने चाकू से काट ली है, और काटने के बाद हम इसको एक जो कसने वाला होता है उसमें इसको कस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने प्याज को इसमें कस लिया है। कसने के बाद थोड़ा सा जो छिलका ऊपर रह जाता है उसको, वो तो बचेगा ही नहीं, तो आपके हाथ को खतरा हो सकता है इसमें कसने से। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो है प्याज इसके अंदर हमने कस ली है। प्याज का ऑयल तो इसमें अभी भी निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों हम रस अभी नहीं निकालेंगे इसका। अभी हम इसको और थोड़ा सा, ये प्याज का जो हमने कुटी हुई प्याज है इसको अंदर इसमें कूटने में डालेंगे। और कूटने में डालकर इसको थोड़ा अच्छे से कूट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे तरीके से कूट चुका है। कूटने के बाद में दोस्तों हम एक खाली बोल लेंगे, और बोल पर एक रुमाल इस तरह लगाएंगे, कोई भी साफ हो जिसमें हमारा रस आराम से छन कर निकल जाए। और ये जो कुटी हुई प्याज है वो हम इसके अंदर रखेंगे। ये सारी प्याज हमने इसके अंदर कुटी हुई निकाल ली है, और दोस्तों इसके अंदर से हम इस तरह निचोड़ कर ये प्याज का रस निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज का रस हम निकाल चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्याज का रस हमारा निकल चुका है, और दोस्तों इस प्याज के रस के अंदर हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, ये है तिल का तेल। ये तिल का तेल हम इसके अंदर थोड़ा आधा स्पून हम ऐड करेंगे, आधे से ज़्यादा हो गया। इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब आपस में मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर जो बबल्स आ रहे थे वे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, और ये एक ऑनियन का ऑयल बन जाएगा। इसके अंदर तिल का ऑयल भी मिक्स है, और दोस्तों ये इतना अफेक्टेड आपके बालों को, हेयर को होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और दोस्तों इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर आपको गंजापन है, मान लीजिए आपको यहाँ पर गंजापन है, ये आपके सिर के बाल हैं, तो दोस्तों जो आपके बाल हैं, बालों पर तो आप इसको लगा ही सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको गंजापन है उस गंजेपन पर आपको ये ऑयल लगाना है इस तरह, और इस तरह लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे मसाज करनी है, उसके बाद ऐसे टैपिंग करनी है। टैपिंग इस तरह टैपिंग करने से जो आपका जो गंजापन है वहाँ से भी बाल उगने चालू हो जाएंगे। और दोस्तों इसका बिल्कुल आप एक बार यूज़ करके देखना, बिल्कुल बहुत ही 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह टैपिंग करने से आपके जो, जहाँ से आपको गंजापन है, हेयर फॉल है, वहाँ पर आपके बाल उगने चालू हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन है इस वीडियो में, मैं आपको डाउट क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो आप वीडियो के कमेंट में आपसे आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी।